इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सामने आ रही है। बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच वर्चुअल बैठक को लेकर यह खबर। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी इनके बीच चर्चा हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहाँ पर इंडिया अलायंस से जुड़े हुए तीन बड़े नेताओं की बैठक हुई है और बताया जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। ये वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जुड़े हुए थे और ये माना जा रहा है कि इसी बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर तीनों के बीच चर्चा हुई। हालांकि कोई सहमति बनी है या नहीं ये बड़ा सवाल है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश जुड़ गए। रुपेश, संक्षेप में बताइए कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति भी बनी है? देखिए, कई दौर की बातचीत पहले भी हुई है और आज तेजस्वी यादव ने भी ये बात की तस्दीक की कि वर्चुअल बातचीत आज हुई है और आगे भी ये बातचीत होती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से बिहार में अगर देखें तो तीन बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, इनके बीच सीटों को लेकर के तालमेल करना बहुत महत्वपूर्ण है। कई सीटों को लेकर पेच में फंसा है लेकिन एक फॉर्मूला तय किया गया है। हालांकि उस पर मुहर लगना जब आगे इंडिया की बैठक होगी, बृहद जब बैठक होगी उसमें जरूर तय होगी, लेकिन बिहार को लेकर के एक अलग से अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश वर्चुअल माध्यम से ही, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों और आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, इन तीनों के बीच बातचीत करके आपस में एक सहमति बनाने की ये कोशिश है और उसी कोशिश में ये वर्चुअल मीटिंग हुई है। लेकिन इन तीनों के बीच एक फॉर्मूला तय हुआ है कि राजद और आरजेडी, जेडीयू, ये दोनों 17-17 सीटों पर या फिर 16-16 सीटों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 16 सिटिंग सांसद हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार के 16 सांसद हैं और उन सीटों से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। इसके पहले भी जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो चाहे वो महागठबंधन के बीच रहा हो या फिर एनडीए के साथ नीतीश कुमार रहे हों, बीजेपी के साथ भी बराबर बराबर सीटों पे, क्योंकि कोई ना बड़ा भाई हो ना कोई छोटा भाई हो, एक सामान्य हैसियत में। और नीतीश कुमार जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार बहुत हार्ड बार्गेनर हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी बैठक में भी अपने लिए भर भर कर बार्गेनिंग हुई होगी। इसको लेकर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे रुपेश के जरिए।